फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के महान धावक मिल्खा सिंह से रिलेटेड खबर बताने वाली हूं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना से 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। आपको मैं बता दूँ कि बीते दिन उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जा चुकी थी। खबरों के मुताबिक उन्हें फिर से बुखार आ गया था और उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो गया था। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिसके बाद अब उनका निधन हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिल में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों के लिए अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया था। मैं उनके निधन से बेहद दुखी हूँ। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मिल्खा सिंह का कोविड-19 परीक्षण बुधवार को निगेटिव आया था, जिसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू से सामान्य आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर गुरुवार को उनकी तबीयत काफ़ी बढ़ करके बिगड़ गई थी। आपको मैं बता दूं, इसी हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना से 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मिल्खा सिंह उस वक्त PGI अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे, जिस कारण वो पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।